जी जी ठीक है। हाँ उसके लिए हम डिफरेंट स्कार्फ्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं जैसे। अच्छा पहले आपने लेकिन जूड़ा बनने के बाद स्कार्फ इतना होगा इलास्टिसिटी उसमें इतनी होगी है। ये अच्छा बिल्कुल ये इसके अंदर इलास्टिक अवेलेबल तो आपका कोई छोटा छोटा बाल भी नहीं नजर आएगा बिल्कुल। हम कवर कर लेते हैं इसके अंदर ये बांधने की भी जगह दी हुई होती है अपने हेड के हिसाब से इसको कवर कर ले दिखाएंगे जी बिल्कुल हेड के हिसाब से कवर कर सकते हैं। ये देखें पीछे भी है इसमें इलास्टिक लगा हुआ है जितना भी आपका सर का साइज होगा ये फ्री साइज होते हैं उस हिसाब से फिर आप पीछे बांध लें तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे कि हाँ ये खोला खुलेगा नहीं ये पूरा एक काम है। ये यही वाला कौन सा पहला इस तरह के भी ये स्कार्फ नेट पे भी अवेलेबल आगे डिजाइन है जी। अब जैसे अब आप देखें कैसे ये पहना रही हैं। अच्छा ये पूरा स्कार्फ नहीं है सिर्फ आगे के लिए जी। अब अगर आपको पूरे सर पे जैसे ना कभी कभार होता है पूरे सर पे आपका खिंचाव हो रहा है किसी को आदत नहीं है तो ये सिर्फ बालों के लिए कि छोटे छोटे बाल ना निकल कर आगे आए। ये हाफ को है ना जी ये हाफ होता है ये हेड कवर कर लेते हैं आपका और थोड़े से स्कार्फ में आपके खूबसूरती हेयर लाइन होती है सारी वो छुप गई सारी छुप जाती है छोटे छोटे बाल जो ग्रो हो रहे होते हैं वो भी नहीं नजर आते। इस तरह से आप कवर अच्छा। कर लेते हैं एयर से और फिर उसके ऊपर जो है आप अपना हिजाब सेट कर लेते हैं। अब आपका हिजाब कहीं भी नहीं जाएगा इसके बाद। अच्छा हिजाब का मटेरियल क्या है नॉर्मली जैसे अब हिजाब लड़कियां चले अबाया नहीं पहन रही लेकिन उन्होंने हिजाब शुरू किया बहुत सारी लड़कियां सिर्फ हिजाब कर रही होती हैं तो हिजाब तो किसी भी कलर का मटेरियल का हो सकता है। आपको क्या लगता है कि एक लड़की को कितने हिजाब के कपड़े खरीद के रख लेने चाहिए। मेरे हिसाब से अगर 5 to 6 भी आप रख लें दो के क्योंकि आजकल हो क्या है कि अबायों पे आप कंट्रास्ट से भी हिजाब ले रहे हैं तो आप अच्छा ये मटेरियल क्या है ये जो है स्विस है बेसिकली लॉन मिक्स है इसके अंदर स्विस तो इसके तो फिसलने का कोई सवाल नहीं होता। अक्सर अबायों में हमारे जॉर्जेट का कपड़ा बहुत यूज हुआ होता है तो वो स्लिप या सिल्क के भी स्कार्फ हमारे आते हैं तो वो हमारे स्लिप हो जाते हैं सिल्क के। अच्छा अब हम ये देखेंगे कि ये बनता कैसे है। हाँ अब आप सामने कहाँ कैमरा दूसरा कैमरा स्विच करें प्लीज इस तरफ आ जाए कैमरा की। हाँ एक सेकंड दोबारा से बताया आपने ये स्टेप कैसे लिया क्योंकि हमारा ये हमने थोड़ा सा आगे से फोल्ड कर दिया। अच्छा तो इससे हमारी जो लुक है वो अच्छी आती है। ठीक है थोड़ा सा हम आगे से फोल्ड करके जब इसको टाई करते हैं तो हमारी लुक अच्छी बन जाती है थोड़ा नीटनेस आ जाती है। जी नीटनेस आ जाती है पिन दीजिएगा मुझे। अच्छा अब हम सेफ्टी पिन यूज करें सेफ्टी पिन है जी सेफ्टी पिन अगर आप कवर वाली यूज करते हैं तो बेहतर होती है ताकि वो चुभे ना टेंशन नहीं है जी टेंशन नहीं होती। ठीक है आप प्लीज ये देखिएगा सेफ्टी पिन लगाने का भी तरीका होगा वो आप जब लगा लें तो मुझे समझाइएगा क्योंकि कैमरे में आपकी उंगलियां आ रही हैं और अंगूठी भी बड़ी है समझ नहीं आ रही। ये आपने मतलब कवर करके अच्छा। फिंगर अपनी नेक लाइन पे रख लेनी है कि आपको इचिंग ना हो उससे तकलीफ अच्छा। ना हो और उसके बाद आपने पिन बाहर करके लगा। ठीक है ठीक है बाकी जो आपका एक हिस्सा आप छोटा रखते हैं और एक हिस्सा आप हमेशा बड़ा रखते हैं। जो छोटा हिस्सा होता है उसको आप किसी भी वे में यूज करते हैं लाइक आप उसको चाहें तो इस तरीके से ले जाए इधर एक पिन दीजिए तो अब ये वाली सेफ्टी पिन नहीं है ये कॉमन पिन्स के लिए है स्टाफ पिन है। ठीक है इसी तरह क्योंकि इस स्कार्फ के ऊपर हमारे यहाँ पे एक स्टाइल मौजूद है तो हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम अपने इस बंच को इस साइड पे ऐसे ले आए। ठीक है आप चाहें तो आप इसको आड़े लुक में भी ले जा सकते हैं हाँ। इस स्टाइल से लड़कियाँ कैरी करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है इस तरीके से भी कुछ लड़कियों को प्रॉब्लम होती है नेक बंद हो रहा है या सांस में तो आप ओपन करके ये थोड़ा सा खुला करके फेस भी आपका खुला खुला नजर आता है आप इस तरीके से भी ले सकती हैं। और कुछ जो चाहती है कि नहीं हमें थोड़ा सा टाइटली हो जाए कुछ तो आप चाहें तो इसको ऐसे करके ऊपर इस जगह पे भी ला सकती है इस तरीके से भी ले सकते हैं जिस तरीके से आप चाहें इसको कैरी कर सकते हैं। हाँ मुझे तो हिजाब में लड़कियाँ बहुत प्यारी लगती है जी किसी भी आप वे में ले हिजाब में आप अच्छी लगते हैं बिल्कुल। अच्छा अब ये तो हो गई जी लड़की जी यहाँ